हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जॉब्स अड्डा IQ। मेरा नाम है रजनी और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना और इसी वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको। तो हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड टेंस। उससे पहले मैंने आपको क्या करवाया, थोड़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये सेशन हो रहा है, तो आपको हल्का सा रिवाइज़ करवा देती हूँ। हमने करवाए थे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 27 हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश के अंदर, जिसमें से इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है जनरल हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मोडल्स। ठीक है, जनरल हेल्पिंग वर्ब और मोडल्स। जो जनरल हेल्पिंग वर्ब है वो कौन कौन सी होती है, इज एम आर वोज वर हैज हैव विल हैव सेल है। ठीक है, और मोडल्स में क्या होता है, वो मोडल्स में आता है विल नहीं आता, इसमें आएगा विल वुड कैन कुड मे माइट सेल शुड। ये सारी की सारी चीज़ें क्या आती है, इसमें मोडल में आता है। और भी है इसका, मैंने पूरे आराम से ये सेशन किया है हेल्पिंग वर्ब का, इसको आप देख सकते हो पीछे की वीडियो में। इसमें मैंने जो डिफरेंस है वो बताया है, इसमें क्या मेजर डिफरेंस होता है कि इसके साथ जो है सिर्फ वर्ब आ सकती है और इसके साथ वर्ब आ सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ इसके साथ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको करवाया कि सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। जो हमारे सेंटेंस होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या होता है, वर्बल में क्रिया होती है यानी एक्शन होता है, कोई काम करने की पावर होती है यानी उसमें कोई काम किया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है तो गो यानी जाना क्या है, एक क्रिया है। नॉन वर्बल में क्या होता है, नॉन वर्बल में कोई भी क्रिया नहीं होती, नो एक्शन। क्या होता है इसमें, नो एक्शन। जैसे राम के पास एक कार है, ठीक है, तो राम के पास एक कार है तो इसमें कोई भी क्रिया नहीं है यानी उसके पास कार है। सीता मेरी दोस्त है या राम मेरा दोस्त है, तो ये क्या है, ये एक नॉन वर्बल सेंटेंस है यानी इसमें कोई वर्ब नहीं हो रही है। आगे मैंने जो वर्बल सेंटेंस है, वर्बल करवाए थे आपको चार टाइप से। वर्बल जो सेंटेंस होते हैं वो आगे चार टाइप से होते हैं, ये भी मैंने पूरा डिटेल से कराया, प्लानिंग, कंपल्सर टेंस और मोडल्स। ओके, तो प्लानिंग में क्या होता है, इसके लास्ट में ना आता है प्लानिंग, इसमें पढ़ता आता है। ठीक है, और टेंस में काल यानी क्रिया, काम, टाइम बताया जाता है, इसमें जो काम हो रहा है उसका टाइम बताया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको जो पीछे करवाई है। हमारा जो चल रहा है वो चल रहा था टेंस। क्या चल रहा था, टेंस। टेंस जो है वो दो टाइप्स, तीन टाइप से मैंने आपको बताया था। एक तो प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिव सेंटेंस। ठीक है, प्रोग्रेशन या प्रोग्रेसिव, जिसमें क्या होता है कोई क्रिया चल रही होती है, जिसमें क्या होता है कोई क्रिया चल रही होती है। एक मैंने आपको बताया था फिनिश्ड। क्या बताया था, फिनिश्ड, जिसमें क्रिया जो है ख़त्म हो चुकी होती है। क्या होता है, ख़त्म हो चुकी होती है यानी ख़त्म हो चुकी है, इसमें एक क्रिया है। अगला मैंने आपको बताया था रूटीन। रूटीन मतलब जो डेली का रूटीन होता है वो एक सेंटेंस होता है, या जिसको हम सिंपल बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस वो हम जो करते हैं। आगे ये तीनों के तीनों जो है, आगे तीन तीन टाइप होते हैं इसके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें से हमने
ये चीज़ कर लिया, हमारा जो चल रहा था ना सिंपल चल रहा था, ये भी फिनिश हो गया, ये भी कर दिया हमने पूरा, जो रूटीन है वो चल रहा था। रूटीन में मैंने आपको क्या करवाया था देखो, टाइम और टेंस ये करवा दिए थे, प्रोग्रेशन कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस, फिनिश्ड में होता है परफेक्ट और रूटीन में होता है सिंपल। ओके आगे देखो, जो मैंने ये करवाया था पिछले सेशन में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा हो चुका था, यानी रूटीन में प्रेजेंट सिंपल टेंस आपका पूरा हो चुका था विद सेंटेंस। आज हम करेंगे पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस। देखिए गिरा यहाँ पे दिस वन, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एफर्मेटिव, एफर्मेटिव होता है जो साधारण वाक्य होते हैं, जो सिंपल वाक्य होते हैं, जिसमें नहीं नहीं आता और क्वेश्चन मार्क या क्या नहीं आता, उसकी क्या निशानी होती है हिंदी में, था थी थे के लिए वे किस काम से जुड़े होते हैं तो वोज या वर का प्रयोग नहीं करते, यानी जिसमें लास्ट में होता है ना था थी थे, तो इसमें हम वाज वर यूज़ नहीं करते। एकवचन और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वोज वर नहीं लगाई जाती इसमें, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टेंस है तो हर एक बच्चे को ये समझ नहीं आता, तो अब जो मैं समझा रही हूँ तो आप इसको ध्यान से देखना। सब्जेक्ट के भिन्न भिन्न नंबर्स के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसे होता है ना कि वाज या वर ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कोई रूल नहीं है, इसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी सिंपल के साथ भी, सिंगुलर के भी साथ भी और प्लूरल के साथ भी। ठीक है, इसमें कोई आई वी यू इनका कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपकी सेकंड फॉर्म ही लगती है। जब हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तब थोड़ा सा एक चेंज आता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले हम सिंपल के सेंटेंस देखते हैं। देखिए जैसे देख लो, उसने कल मुझे एक कलम दिया, या दिया था या दिया, उसने कल मुझे एक कलम दिया, तो उसने की क्या होती है ही, देना की क्या होती है गिव, देना की क्या होती है उसने की क्या होती है ही, देना की क्या होती है गिव, क्या होती है गिव, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या होती है गेव, क्या होती है गेव, ही गेव मी ए पेंसिल या पेन यस्टरडे। ठीक है, देखो ध्यान से, ही गेव मी ए पेन यस्टरडे, ही गेव, गेव आएगा, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है। पूरे जो सेंटेंस होते हैं, जितने भी मैंने आपको टेंस करवाए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है, पूरे के पूरे जो मैंने आपको टेंस करवाए हैं, इसमें जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में लगती है। किस में लगती है, पास्ट सिंपल टेंस में ये सेकंड फॉर्म लगती है। मैं इस घर में रहता था, मैं इस घर में रहता था, तो मैं की क्या होगी आई, है ना की क्या होती है लीव, क्या होती है लीव, और लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है लीव्ड, आई लीव्ड इन दिस हाउस, क्या है आई लीव्ड इन दिस हाउस। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, मोहन कल अपने पिता को देखने, देखने की क्या होती है या सी होता है या फिर जाना, गया, गया की आएगी, तो मोहन जाना की क्या होती है गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, ये भी फॉर्म यूज़ करना ज़रूरी है, गो वेंट गो। ठीक है, तो गो वेंट, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। ओके, हमने अपना पाठ याद किया, हमने अपना पाठ याद किया, तो वी लर्न, लर्न होता है याद करना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है लर्नड, वी लर्नड आवर लेसन। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, उसने किया होती है सी, और लिखना की क्या होती है राइट, क्या होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है रोट, तो सी रोट ए लेटर टू हर फादर, सी रोट ए लेटर टू हर फादर। भड़ाई ने एक कुर्सी बनाई, या कारपेंटर ने, तो द कारपेंटर सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होती है मेक, सेकंड फॉर्म क्या होती है मेड, कारपेंटर मेड ए चेयर, कारपेंटर मेड ए चेयर। ओके आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में
सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये जो सिंपल था इसमें था। जब हम नेगेटिव की बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव में नोट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है नेगेटिव में, नोट यूज़ होता है। लेकिन किसी भी सेंटेंस में हम नोट हम सीधा नहीं लगा सकते, नो तो फिर भी यूज़ हो जाता है, नोट जो है ना नोट हम सीधा नहीं लगाते, इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म, क्या सेकंड फॉर्म लगती है ना, पीछे हमने ऊपर सेकंड फॉर्म लगाई है, तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, डिड। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है डिड के रूप में, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ आ चुकी है डिड के रूप में, ठीक है। तो इसलिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसका फॉर्मेशन ये बनेगा। अब देखो अब समझ में आएगा आपको, यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर के साथ हम डिड नोट नहीं लगाते। यदि कभी नहीं आया ऐसा कुछ वर्ड हो तो हम नेवर लगा देंगे, फिर हम डिड नोट नहीं लगाएंगे। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड नोट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसमें लगाएंगे, ओके। अगला अब देखिए सेंटेंसेस के, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह कल हॉकी नहीं खेला, तो वह क्या होगी, ही। नहीं आया है तो हम क्या लगाएंगे, ही डिड नोट, ही डिड नोट प्ले हॉकी यस्टरडे। यहाँ पर हम प्लेड नहीं लगाएंगे, हम पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्ले लगाएंगे, तो ही डिड नोट प्ले हॉकी यस्टरडे। लड़कों ने अपना पार्ट याद नहीं किया, लड़कों ने अपना पार्ट याद नहीं किया, द बॉयज़ डिड नोट, क्या आएगा, द बॉयज़ डिड नोट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया, तो कभी नहीं, कभी नहीं बोला था ना ऊपर, कभी नहीं के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, नेवर, तो आई नेवर कम लेट, आई नेवर कैम लेट, यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, तो सीता डिड नोट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, सीता डिड नोट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तुम स्कूल नहीं गए, यू डिड नोट गो टू स्कूल, ओके। तो ऐसे इसको बनाना है। अगला देखिए, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, वही डिड को हम पहले लगा देंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर डिड के रूप में आ चुकी है, ओके। देखियो अगर वाक्य में क्या लगा हो तो डिड को कर्ता से पहले लगाते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में वहन, वह, वट, वेहर आदि सब प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश, फिर डिड, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। यानी हम पहले वहन, वट, वाय ये लगाएंगे, फिर हम डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हम फर्स्ट फॉर्म। कितना यानी हाउ मच और कितने, हाउ मैनी या कौन सा, विच के साथ भी हम संबंधित नाउन भी आते हैं। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक यानी हु हो तो इसका कार्य, कर्ता का कार्य ये करेगा, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में समझ में आ जाएगी। इंटरोगेटिव में देखिए, वाई डिड सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट प्लस नोट, डिड और नोट अगर दोनों ही हो, देखो इंटरोगेटिव और नेगेटिव अगर दोनों ही सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, डिड और फिर हम सब्जेक्ट और फिर हम नोट लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे सेंटेंस समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ध्यान से आराम से देखो। क्या उसने किताब पढ़ी, सिंपल है ये, वैन, वेयर, वट, हाउ, मच, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या उसने किताब पढ़ी, तो उसने किताब पढ़ी का क्या होगा, ही रीड ए बुक, यानी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड ही रीड ए बुक। रीड जो सेकंड, रीड की जो फॉर्म होती है वो तीनों एक जैसी होती है, रीड, रेड, रेड, बोलते इसको थोड़ा अलग है रेड, लेकिन ये स्पेलिंग वही होती है, रीड, रीड, रेड, रेड,
ठीक है, तो डिड ही रीड ए बुक। क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, तो क्या मैंने तुम्हें एक कलम दी, डिड आई गिव यू ए पेन, डिड आई गिव यू ए पेन। क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी, तो डिड यूअर मदर नहीं करती थी, तो नोट हम यहाँ पे लगा देंगे, डिड यूअर मदर नोट लव यू। क्या वह यहाँ नहीं आती थी, डिड सी नोट कम हेयर, डिड सी नोट कम हेयर। तुम मेरे साथ क्यों नहीं भागे थे, क्यों नहीं मतलब वाई डिड यू नोट रन विद मी। तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, तुमने किसकी किताब कक्षा में पढ़ी, तो हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ की क्या होती है वेहर, तो वेहर डिड यूअर ब्रदर गो यस्टरडे। हम क्या करेंगे, वेहर क्या लिखेंगे हम, वेहर फिर हम डिड फिर यूअर ब्रदर गो टू यस्टरडे। मोहन कब लौट कर आया, तो कब की क्या होती है वहन, क्या होती है वहन, आगे क्या हम लिखेंगे डिड, क्या करेंगे हम डिड, वहन डिड मोहन रिटर्न, वहन डिड मोहन रिटर्न। ओके, कितने लड़के कक्षा में नहीं आए थे, तो कितने की क्या होती है हाउ मैनी, लड़के काउंट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी हाउ मैनी और हाउ मच हम यहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी मतलब कितने लड़के, जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम हाउ मैनी लगाते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ हम हाउ मच लगाते हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ डिड नॉट कम टू द क्लास, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक, हाउ मच मिल्क डिड नॉट दैट बेबी ड्रिंक। तुम हरे घर कल कौन आया, तो हु केम टू यूअर हाउस यस्टरडे। तो इस तरीके से इनका जो इंग्लिश बन जाती है। तो ये आपके टेंस जो हैं, कल हम फ्यूचर सिंपल टेंस करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक होमवर्क है, ये आपको करना है, देख लो यहाँ से, अगर ये नहीं हो पाया तो मैं आपको इसकी इंग्लिश करवा दूँगी। देखो पहले आपको इसको खुद से ट्राई करना है। ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, उसको आपको यूज़ करना है। इसमें सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने अपनी बहन की सहायता की, तो आई हेल्प्ड माय सिस्टर। रमेश ने कभी झूठ नहीं बोला, तो रमेश डिड नॉट नहीं है तो नेवर, रमेश नेवर टोल्ड लाई, ए लाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। तो इसको आपको पहले इंग्लिश बनानी है। कुछ जो सेंटेंस है जिसकी आपको इंग्लिश नहीं आ सकती, कुछ ऐसे वर्ड हैं उसको मैंने आपको नीचे जो है दे दिया है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है और फिर इनको लिखना है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपको। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, ये चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।